हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके बिजनेस फाइनेंस सेकेंड पेपर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 61। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं ना कि इसका बाकी के बचे हुए क्वेश्चन टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एनएससी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर द एनएससी हेड ऑफिस सिचुएटेड। ये ऑप्शन आपका चेन्नई भी है, मुंबई, और बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सिक्सटी टू है, एनएससी 50 निफ्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज एनएससी 50 निफ्टी फाउंडेड। ये ऑप्शन आपका 1981, बी है 1987, और सी है 1992, और डी है 1996। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1996। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का पहला डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज था? इंडियाज वाज द फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज। ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, एनएससी। ये जो है फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। वैसे तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है, लेकिन डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज पूछ रहा है ना, फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निफ्टी और सेंसेक्स किन सूचकांकों पर निर्भर है? व्हाट आर द इंडिकेटर्स निफ्टी एंड सेंसेक्स आर डिपेंड ऑन। ए ऑप्शन आपका फ्री फ्लोट पर आधारित पूंजीकरण, यानी कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्पॉट विनिमय दर वह दर है जिस पर के उद्देश्य से दो मुआवजों का आदान प्रदान किया जाता है। द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज द रेट ऑफ विच टू करेंसीज आर एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है भविष्य में डिलीवरी के लिए, यानी फॉर डिलीवरी इन फ्यूचर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है तत्काल डिलीवरी के लिए, यानी फॉर इंस्टेनियस डिलीवरी, और यही वाला आपका सही हो जाएगा, इंस्टेंट डिलीवरी, ठीक है, आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 66 है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है? द लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज नोन एज। ए ऑप्शन है आपका फुटसी, यानी यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको फुटसी या FTSE 100 के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, यूपी स्टॉक एक्सचेंज नीचे दिए गए किस शहर में स्थित है? तो आपका VIP रोड कानपुर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि द यूपी स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द लो सिटीज। क्वेश्चन नंबर 68 है, लाभांश नीति का प्रकार है, टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज। ए ऑप्शन है आपका स्थिर लाभांश नीति, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। बी है कठोर लाभांश नीति, यानी स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी। सी है उदार लाभांश नीति, यानी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है, ये वाला जो है टाइप ऑफ डिविडेंड के पार्ट है ना, और डिविडेंड के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड जो होते हैं थ्री होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है? द टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज। ए ऑप्शन है आपका 25, बी है 23, सी है 18, डी है 4। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका 23। और फ्रेंड्स आपको बता दूं ना, एनएससी और बीएससी को लेकर के 23 है। अगर एनएससी और बीएससी को छोड़ दिया जाए, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ दें, तो 21 होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पूछा है, तो इसलिए मैंने ये पूरा कंप्लीट बता दिया है टोटल। तो ऑप्शन में अगर 23 ना देकर के 21 भी दिया है, तो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुद्रा बाजार उन फर्मों व संस्थाओं का सामूहिक नाम है जो निकट मुद्रा के विभिन्न वर्गों में व्यवहार करते हैं। निम्न में से किसने यह परिभाषा दी है? मनी मार्केट इज द ज्वाइंट नेम गिवेन टू ऑल दोज फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस विच डील इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कॉल मनी मार्केट हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग हैज गिवन द अबव डेफिनेशन।
तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी, जी क्राउथर। क्वेश्चन नंबर 71 है, मुद्रा बाजार किस प्रकार के कोषों का व्यवहार करता है? मनी मार्केट डील्स इन विच काइंड ऑफ फंड्स? ए ऑप्शन दिया हुआ है अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, सहकारी मुद्रा बाजार पर किसका नियंत्रण है? हु हैज द कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव मनी मार्केट? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुद्रा बाजार का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है अधिक ब्याज पर उधार लेना है, यानी टू बोरो अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये जो है मुद्रा बाजार का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय मुद्रा बाजार के निम्न में से कौन कौन से अंग हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट? ए ऑप्शन आपका मांग मुद्रा बाजार यानी कॉल मनी मार्केट भी है, अंतर बैंक भागीदारी यानी इंटर बैंक पार्टिसिपेशन, और सी है वाणिज्यिक बिल व जमा प्रमाण पत्र यानी कमर्शियल बिल्स एंड डिपोजिटरी बिल्स रिसीप, और डी है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी के सभी भारतीय मुद्रा बाजार के। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय मुद्रा बाजार को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कौन सा उपाय नहीं किया? टू स्ट्रेंथन द इंडियन मनी मार्केट विच स्टेप हैज नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट? ए ऑप्शन है आपका ब्याज दरों में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गैर बैंकों को उनकी ऋण देने के रोज के औसत के कितने प्रतिशत तक बाजार में ऋण देने की अनुमति होगी? टू व्हाट एक्सटेंट द नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर परमिटेड टू ऑफर क्रेडिट इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ देयर एवरेज डेली ट्रांजेक्शन? ए ऑप्शन है आपका 25%, बी है 50%, सी है 70%, और डी है 75%। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी 70%। क्वेश्चन नंबर 78 है, काला धन बाजार मांग मुद्रा बाजार की गतिविधियों की मांग राशि के लिए अधिकतम कितने दिनों के लिए सौदा किया जाता है? फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द मनी मार्केट द ट्रांजेक्शन अगेंस्ट कॉल मनी और डिमांड मनी और मेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो 14 डेज 14 दिन हो जाएगा, 2 सप्ताह का होता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में से मुद्रा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मनी? ये है आपका करेंसी नोट एवं सिक्के, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्कंद विनिमय एक बड़े गोदाम की तरह है जहां विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय एक निश्चित मूल्य पर जो कि एक आधिकारिक सूची में दिए हुए होते हैं किया जाता है, किसकी परिभाषा है? स्टॉक एक्सचेंज इज लाइक अ वेयर हाउस वेयर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द ऑफिशियल लिस्ट इज कैरी आउट एट अ फिक्स्ड प्राइस, हु हैज गिवन द अबव डेफिनेशन? यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए हार्टले बिदर्स। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्कंद विनिमय के कौन से आर्थिक कार्य हैं? व्हाट आर द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? ए ऑप्शन आपका पूंजी संरचना टू रेज कैपिटल, बी है मूल्य निर्धारण यानी फिक्सेशन ऑफ रेट्स, और सी है पूंजी तरलता एवं गतिशीलता यानी लिक्विडिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंस, और डी है ये सभी। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी आर्थिक कार्य हैं स्कंद विनिमय के। क्वेश्चन नंबर 92 है, अंशों का बाई बैक संबंधी अध्यादेश कब स्वीकृत हुआ? व्हेन वाज द ऑर्डिनेंस टू बाई बैक द शेयर्स वाज अप्रूव्ड? तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1998 में, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अग्रिम सौदों की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज अपर लिमिट फॉर एडवांस ट्रांजेक्शन? तो 10 करोड़
प्रति सदस्य आपका हो जाएगा 10 करोड़ पर मेंबर। सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस सौदे में संबंधित प्रतिभूति की भौतिक उपस्थिति होना आवश्यक है? इन विच टाइप ऑफ डीलिंग द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटीज इज अ मस्ट। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एडवांस ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ है, तत्काल सौदा यानी करेंट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पॉट ट्रांजेक्शन, और बी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्कंद विनिमय के उद्देश्य कौन कौन से हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन है औद्योगिक पूंजी की पूंजी को तरलता प्रदान करना यानी टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इंडस्ट्रियल कैपिटल, बी आपका पूंजी का निर्माण करना टू रेज कैपिटल, सी है कारोबार हेतु एक उपयुक्त मान्यता प्राप्त नियमित स्थान उपलब्ध कराना यानी टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट एंड रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, और डी है उपयुक्त सभी यानी आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव। यहाँ नॉन ऑफ द एबव हो गया है, ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्कंद बिन में केवल व्यापारिक व्यवहारों के प्रमुख प्रदर्शनकर्ता ही नहीं है बल्कि वे मापदंड हैं जो व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशाओं को दर्शाते हैं, कथन किसका है? स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट ओनली टू प्रोजेक्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस बट दिस इज स्टैंडर्ड विच डिस्क्रिप्ट द ट्रांजेक्शंस सॉरी द डायरेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लाइमेट हु हैज गिवन द अबव डेफिनेशन। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्कंद विनिमय को किन किन नामों से पुकारा जाता है? बाय व्हाट अदर नेम्स स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज। ए ऑप्शन आपका अलीबाबा का खजाना यानी ट्रेजर ऑफ अलीबाबा, बी है झटपट धनी होने का स्थान यानी प्लेस टू बिकम रिच ओवरनाइट, और सी है नरकों से भयंकर यानी वर्स देन हेल, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी नामों से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंशों की बाईबैक की सीमा कंपनी की कितनी निर्धारित की गई है? और यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी। समय कम है इसलिए मैं केवल सही आंसर ही बता रहा हूं। पूर्णदत्त पूंजी का 25% प्लस स्वतंत्र कोष का योग यानी 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि आप ब्रिटेन के बारे में जानना चाहते हैं तो संसद का अध्ययन मत कीजिए, लंदन का स्टॉक बाजार देखिए, कथन किसका है? इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट ब्रिटेन देन डू नॉट स्टडी द पार्लियामेंट बट एग्जामिन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज हु हैज गिवन द अबव क्वोटेशन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक विभाग का प्रत्याय है यानी रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज। ये कह रहा है सभी तत्वों का कुल प्रत्याय यानी टोटल रिटर्न ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन विविधात्मक जोखिम है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिफिएबल रिस्क। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, मौसमी जोखिम यानी सीजनल रिस्क, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, विविधता का मूलभूत उद्देश्य है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज। ए ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ते हुए प्रत्याय यानी इंक्रीजिंग रिटर्न, और बी है प्रत्याय को अधिक करना यानी मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, और सी है जोखिम में कमी करना यानी डिक्रीजिंग रिस्क, और यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक विभाग का जोखिम निर्भर करता है यानी रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो डिपेंड्स ऑन। ए ऑप्शन है आपका तत्व के जोखिम पर यानी रिस्क ऑफ एलिमेंट्स, बी है प्रत्याय का सहसंबंध यानी कोरिलेशन ऑफ रिटर्न, सी है तत्व का समानुपात यानी प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, और डी है इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। रिस्क पोर्टफोलियो जो है ना, रिस्क ऑफ एलिमेंट, कोरिलेशन ऑफ रिटर्न और प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विषम नगद प्रवाह को तुलनीय बनाया जा सकता है यानी ऑड कैश फ्लो कैन बी मेड कंपेरेबल बाय। ये ऑप्शन आपका डिस्काउंटिंग तकनीकी, और बी है कंपाउंडिंग तकनीकी, और सी है या तो
ए या बी, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्काउंटिंग टेक्निक या कंपाउंडिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 95 है, यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर 16% है तो ब्याज की नाममात्र दर, इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 13% ऑफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, समय का भी अभाव है और प्लस हमारे पास टैब भी नहीं है, टैब जो है लैपटॉप से जोड़ना पड़ेगा और ये मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, मैं सही ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ, 95 का ए, 15.12%। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, मासिक और तिमाही चक्रवृद्धि के साथ ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर के बीच का अंतर जब नाम मात्र ब्याज दर 10% है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद मंथली एंड क्वार्टरली कंपाउंडिंग विद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी, 0.09%। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि किसी ऋण पर ब्याज दर 1% प्रति माह है तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर होगी, यानी इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन इज 1% पर मंथ देन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। तो ये होगा आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा यहां पर, 12.68%। क्वेश्चन नंबर 98 है, 30 वर्षों तक 10% की निरंतर चक्रवृद्धि के साथ 2000 के प्रारंभिक निवेश का भविष्य मूल्य होगा, विद कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एट 10% फॉर 30 ईयर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विल बी। और यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, 40,141, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाकी के क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं इसलिए यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाया, समय का अभाव था और हमें टैब यूज करना पड़ता, फिर समय लगता, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।